हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी व्हाट इज द राइट एज टू टीच फोनिक्स टू किड्स। फोनिक्स पढ़ाने की राइट एज क्या होती है, बिकॉज पेरेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है कि हमने फोनिक्स कहीं बहुत जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, फोनिक्स का प्रॉपर कोर्स करवाते हैं बच्चों को, तो उन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि किस एज से बच्चे की फोनिक्स पढ़ाना शुरू करना है। तो देखिए, फोनिक्स जो है एक बहुत मतलब वाइड कंसेप्ट है। इसे सिर्फ साउंड से हम रिलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फोनिक्स में साउंड पढ़ाया जाता है, ब्लेंडिंग कराई जाती है, मतलब वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड्स कैसे बन रहे हैं, रीडिंग कराई जाती है, काफी सारे आगे स्टेज पर चल के, आगे लेवल के पे चल के ग्रामर के रूल्स, स्पेलिंग के रूल्स, ऑल्टरनेटिव रूल्स, बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो सब भी पढ़ाया जाता है। तो ये सब कुछ होता है फोनिक्स में। बट फोनिक्स अगर लिटरल मीनिंग हम उसकी देखें तो ये होते साउंड्स, लेटर के साउंड्स, इंग्लिश अल्फाबेट के साउंड्स जो होते हैं उसे हम फोनिक्स कहते हैं। तो फोनिक्स हम बच्चों को, जब बच्चे को आप पढ़ाना शुरू करें, मतलब लेटर्स रिकॉग्नाइज करवाना, लेटर्स पढ़ाना, अल्फाबेट्स पढ़ा रहे हैं आप, तब से ही आपको चाहिए कि फोनिक्स के जो साउंड्स हैं वो हम पढ़ा सकते हैं। जैसे आप टू टू प्लस बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो इंस्टेड ऑफ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यू शुड टीच देम विद फोनिक्स। जब आप लेटर सिखा रहे हैं, अल्फाबेट सिखा रहे हैं, तो उनको फोनिक्स के साथ पढ़ाएं। जैसे ए आ एप्पल, बी ब बॉल, सी क कैट। इस तरह से जब आप पढ़ाएंगे तो वो साउंड भी सीख जाएगा बच्चा। टू प्लस बच्चे को भी आप साउंड पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं है कि आपको फोर ईयर्स का होगा, फाइव ईयर्स होगा तब साउंड पढ़ाएंगे। तो साउंड पढ़ाना एज अर्ली एज पॉसिबल आप कर सकते हैं, मतलब जितने जल्दी आप लर्निंग्स करवा रहे हैं, उसको टीच करवाना शुरू करा रहे हैं, अल्फाबेट से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तब से ही आपको चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब से ही आप उसे साउंड पढ़ाने लग जाए। हाँ, ब्लेंडिंग का जो पार्ट है, मतलब लेटर्स को मिला के वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, और जो स्पेल और जो रूल्स होते हैं वो पढ़ाना जो है, वो 4+ या 5+ बच्चे की लर्निंग पेस के हिसाब से आप कराएं। क्योंकि जितने अर्ली 3 ईयर्स से अगर आप कराएंगे, 2 ईयर 3 ईयर्स के बच्चे को कराएंगे, तो वो उस चीज को कैच नहीं कर पाएगा, बट साउंड जरूर वो कैच कर लेगा बहुत ईजिली। तो साउंड आप 2+ करवा सकते हैं, बट जो रूल्स हैं, जो ब्लेंडिंग है, वो आपको 4+ ही शुरू करवाना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा और वो समझ जाएगा। तो राइट एज एज सच नहीं होती है, आप यहां पर भी वेरी करता है किस तरह से बच्चे की कैचिंग पावर है। क्योंकि कई बार 2+ बच्चा बोलता नहीं है, तो बोलता नहीं है तभी आप करवा सकते हैं, बिकॉज यू नो बच्चे सुनकर भी लर्न करते हैं, मगर फिर भी अगर बोल नहीं रहा है तो पेरेंट्स को लगता है ये कैसे साउंड बोलेगा, ये बात नहीं करता है। कुछ बच्चों की पेस ऑफ लर्निंग कम होती है, कुछ बच्चों की जल्दी होती है, जल्दी कैच कर लेते हैं, एंड इट डिपेंड्स, वो अपने एज में भी मतलब डिफर करता है, हर बच्चे की एज के हिसाब से उसका लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। खुद अपने आप में भी बच्चा कभी जल्दी सीखता होता है, कभी वो किस फेज में नहीं अच्छे से सीख पाता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग लर्निंग पेस में होते हैं। तो इसके लिए कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, आप अपने बच्चे की लर्निंग पेस को समझ कर कराएं। आप कंपेयर ना करें कि अरे वो बच्चा पढ़ रहा है फोनिक्स, उसको रीडिंग आ गई है। इट डिपेंड्स, इट मतलब ये मैटर करता है कि बच्चा अच्छे से सीखे, हैप्पीली सीखे, ना कि हम उस पर फोर्स करें, प्रेशर डालें। आपको प्रेशराइज नहीं करना, ना खुद को ना बच्चे को, बट उसे राइट एज में सही तरीके से उसकी पेस के हिसाब से उसे पढ़ना सिखाना है, तो बच्चा सीख जाएगा। तो इसके लिए आपको हड़बड़ी भी नहीं करनी है और बहुत ज्यादा डिले भी नहीं करना है कि अभी से हम क्या सिखाएं। ये थोड़ा सा आपको खुद समझ कर कराना है। जैसे मैंने साउंड्स बताया, साउंड्स आप अर्ली स्टेज से पढ़ा सकते हैं, बच्चा जब से बोलना सीख रहा है, जब से आप उसे लर्निंग करना सिखा रहे हैं, तब फोनिक्स के साउंड आप जरूर करवाएं, बट दूसरी चीजों को थोड़ा सा एज के हिसाब से, उसकी लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से इंट्रोड्यूस धीरे धीरे कराएं, ताकि आपका भी बर्डन ना हो, बच्चे पर भी कोई बर्डन ना हो। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और आपके ये हेल्पफुल होंगे पॉइंट्स। तो वीडियो पसंद आया होगा तो डू इट द लाइक बटन, और मेरे चैनल पे नए आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू इट द बेल आइकन, ताकि आप मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और डू शेयर इट विद अदर्स, किसी ना किसी के जरूर काम आएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।